फिर सोचते कैसे काटे। एक दिन भीम क्या करता था, खाने पीने में ज्यादा था, मोटू था, छोटू था, तो उसको कहता है भीम भैया मैं तुमको खीर बनाने में दूंगा। और उसको खीर पिलाने के लिए अपने रुपए लेके गया, खीर में जहर डाल दिया और उसको बेहोश हो गया, नदी में फेंक दिया। कहता मामा जी एक उंगली काट दी, भीम को उंगली काट दिया, नदी में डाल दिया बेहोश करके, जहर पिला करके। ये कहां से सीखा? ये दुष्ट, ये संघर्ष। इसलिए ऐसे लोगों के कभी संगत ना करो जो आपको ऐसी बातें सिखाता है। इसलिए संगत अच्छा, संगत से व्यक्ति पांच चीजों से बचना, और सबसे अच्छा गुण कौन है? सहन शक्ति का। कौन सा गुण? आज सहन शक्ति की कमी के कारण कितनी बीमारियां हो रही। जिसके पास सहन शक्ति नहीं उसको गुस्सा आता है, गुस्सा आने से दिमाग फटा होता है क्या होता है? अब इसमें से ये बताओ गुस्सा किसको किसको आता है, क्रोध किसको आता है? सच्चे दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना। किसको किसको गुस्सा आता है? आवाज नहीं करना, बस हाथ खड़ा करना, ऊंचे से ऐसे ही ऐसा ऐसे हाथ खड़ा करना। चलो आता है बहुत अच्छा, तो कम से कम ईमानदारी से बोला, इसलिए तालियां बजाओ। ये बताओ ये गुस्सा अच्छा है? ये क्यों आता है आप लोगों को? एक दिन आएगा ये ऐसा ही अभी रखेंगे, एक दिन आएगा आपको बुराई है ना। ये भारत के जो मटके, भारत में सोने के महल थे, भारत में सब कुछ अच्छा था, ये गुस्से के कारण ये पानी के मटके भी सूखे, ये पूरा भारत का बेड़ा ऐसा हो गया। इसलिए काम क्रोध मोह अहंकार ये मानव के दुश्मन है। इसलिए इस क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने का आधार है सहन शक्ति। आप कौन से स्टेट पे जन्म लिए? महाराष्ट्र। कौन से स्टेट? महाराष्ट्र। क्यों बोला? यहां संतों की भूमि है, यहां बहुत सारे संतों के लिए, संत ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, कितने सारे संतों के लिए,